हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन विद कुकिंग। आज मैं ड्राई फ्रूट्स का स्मूथी बनाती हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है एंड साथ में बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हनी ड्राई फ्रूट्स में आप यहाँ कुछ और ऐड कर सकते हैं, जैसे खजूर ऐड कर सकते हैं, चिरौंजी ऐड कर सकते हैं, मुनक्का ऐड कर सकते हैं, और आप चाहे तो कुछ यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, वो आपकी पसंद है। ड्राई फ्रूट्स कितना लेना है, क्या लेना है, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। और चाहिए दूध। इसको बनाने के लिए मैंने काजू लिया 5-6 पीस, आमंड भी 5-6 पीस लिया, प्लेन पिस्ता लिया थोड़ा सा, ब्राउन किशमिश, थोड़ी सी ब्लैक किशमिश, मूंगफली के दाना थोड़ा सा, इसको मैंने ड्राई रोस्ट करके इसका छिलका निकाल लिया, 2 खुबानी लिया, इसका भी बीज निकाल लिया मैंने, अखरोट और कुछ सैफ्रॉन का स्ट्रिंग लेंगे। इन सभी सेम अमाउंट ड्राई फ्रूट्स मैंने पहले से ही 2-3 घंटा पहले दूध में भिंगो के रखा। खुबानी का मैंने बीज हटा लिया। अब ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने मिक्सर जार में डालनी है एंड इसको अच्छी तरह से एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। पेस्ट मैंने बना लिया, इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। ऐसे तो इस पेस्ट को ऐसे ही खाया जा सकता है, पर स्वीटनेस के लिए मैं यहाँ 1.5 चम्मच हनी डालूंगी। अब हनी के साथ पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मेरा ड्राई फ्रूट्स स्मूथी बनके तैयार है। सैफ्रॉन से इसे मैंने गार्निश भी कर दिया। ये बहुत ही इजी एंड हेल्दी रेसिपी है। विंटर के सीजन में इसे जरूर खाना चाहिए। आप भी इसको घर में ट्राई कीजिए। अपना ओपिनियन भी मेरे साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।